आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के व्लॉग में। तो दोस्तों, लास्ट के व्लॉग में आपने देख लिया था महासू देवता के मंदिर के आपको दर्शन कराए थे। तो अब मैं आ गया हूँ कोटी कनासर बुग्याल में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है। ये देख सकते हो आप, बड़े बड़े चीड़ और देवदारों के पेड़ों के बीच में ये हरा भरा घास का मैदान है, जिसे यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। और इस बुग्याल के बीच में एक महादेव का खूबसूरत सा मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तराखंड के चकराता से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत कोटी कनासर हिल स्टेशन, जो अपनी कश्मीर जैसी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक प्यारा सा मंदिर अद्भुत पेड़ों से घिरा हुआ है, और आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ढेर सारे मोटे मोटे पेड़ दिखाई देंगे। कनासर है अपने प्राचीन देवदार के जंगलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना 20 फीट का ऊंचा देवदार का वृक्ष मौजूद है। यहाँ पर घास के हरे भरे खूबसूरत मैदान है, जिसे भाई पहाड़ों में बुग्याल कहा जाता है। यहाँ जो है टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत बुग्याल है ये, और यहाँ पर महादेव का मंदिर तो और ही खूबसूरत लगता है। जैसे आपने देखा होगा तारकेश्वर महादेव का मंदिर था, उसी तरीके से ये मंदिर भी है। और यहाँ पर देख लो, बंदे मैच खेल रहे हैं, और यहाँ पर गाय भी है। अगर आप लोगों को भी इस मंदिर में, इस बुग्याल में आना है, तो ये आपका चकराता से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ आ सकते हैं, और आप आराम से यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जाने का मन किसी का नहीं करता, फिर भी लोगों को जाना ही पड़ता है अपनी अपनी मंजिलों की ओर, और हमें भी आगे की ओर जाना पड़ेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पर आ रखे हैं, और अगर आ रखे हैं तो उस पर लिख दीजिएगा यस, और अगर नहीं आ रखे, प्लान बना रहे हैं, तो ज़रूर आइएगा इस व्लॉग को देखने के बाद। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा सी यू। तो दोस्तों, अब यहां से निकलते हैं, और थोड़ा सा और आगे जाके आगे आने वाला एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है मोइला टॉप। तो वहां कुछ ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के चढ़ने के बाद, आपको पार करने के बाद एक खूबसूरत जगह मिलेगी, वो भी एक खूबसूरत बुग्याल जैसा है, और वहां भी एक खूबसूरत भोलेनाथ का मंदिर है। चलिए आपको दिखाता हूँ अगले व्लॉग में। तो इस तरह मैंने चकराता का जो चकराता थे स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद घूम फिर के मैं चकराता ही पहुँच जाऊँगा। तो चलिए, अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।